नमस्कार दोस्तों, मैं विजय चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचनाओं में से पहली सूचना है, बड़ी भर्तियाँ जल्द, अब OTR जरूरी। UPPCS ने राज्य कृषि सेवा APS RORO भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रहा है। बिना OTR के भर्ती परीक्षा में आप जो है आवेदन नहीं कर पाएंगे, तो जिन अभ्यर्थियों ने OTR नहीं भरा है वह OTR जरूर भर लें। अगली जो महत्वपूर्ण सूचना आ रही है, KGMU में होगी 1055 हॉस्पिटल अटेंडेंस की भर्ती। मरीजों को शिफ्ट करने और देखभाल में हो रही थी दिक्कत, तो 1055 यानी 1055 जो हॉस्पिटल अटेंडेंट हैं उनकी भर्ती करने से इसमें सहूलियत मिलेगी। एडेड स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के पद पर नौकरी पाने की चाह रखने वाले लाखों युवाओं की उम्र भर्ती के इंतजार में ही बीती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से नए शिक्षा आयोग के गठन की घोषणा तो कर दी गई, लेकिन अभी भी उसका कार्य स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कब तक जो है यह आयोग बनकर रेडी हो जाएगा, जबकि अन्य जिम्मेदारियां जो थी आयोगों से वो ले ली गई हैं और भर्तियां रुकी पड़ी हैं। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से चिकित्सा विभाग, उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा आयुर्वेद विभाग में अलग अलग पदों के लिए साक्षात्कार 7 अगस्त को आयोजित किया गया है। एक एक पद इसमें है, तो उक्त साक्षात्कार संबंधित विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप वेबसाइट से साक्षात्कार कार्यक्रम के बारे में व्यवस्थित जान सकते हैं। वहीं देखिए, आयोग में जो लंबित पड़ी भर्तियां हैं उनको आगे प्रक्रिया से संपन्न कराना आवश्यक होता चला जा रहा है, लेकिन आयोग ध्यान नहीं दे रहा है। देखिए, पदनाम और उसमें कितनी भर्तियां हो सकती हैं ये दिया गया है। देखिए, अनुसूचित से विशेष सचिव तक के अनुभाग अधिकारी के कुल 10, अनुभाग अधिकारी के 57, व्यवस्था अधिकारी के 8, समीक्षा अधिकारी के 744, इस तरह से कई ऐसे पद हैं जो खाली हैं किंतु भर्तियां अभी आगे नहीं बढ़ रही हैं। वहीं रोहिणी आयोग का कार्यकाल 31 जुलाई को ख़त्म हो गया, रिपोर्ट पर अभी भी असमंजस है। अन्य पिछड़ा वर्ग के पिछड़ी जातियों को आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस श्री रोहिणी की अध्यक्षता में गठित की गई यह आयोग था, जिसका कि कार्यकाल 31 तारीख को समाप्त हो रहा है। वहीं वन रक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। 655 पदों पर भर्ती के लिए आयोग चित शारीरिक व दक्षता परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। इसके लिए 3398 अभ्यर्थियों को इसमें अंतिम रूप से जो है शारीरिक दक्षता के लिए चयनित किया गया है। तो अगली व्यवस्था के लिए आप तैयार रहें। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट है, लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर के अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं और आयोग से मांग कर रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरी कराया जाए। वहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के साथ साथ TGT PGT एग्ज़ाम में सीटों की वृद्धि, GIC LT प्रवक्ता विज्ञान प्राथमिक शिक्षक भर्ती आदि, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती आदि के रिजल्ट और भर्तियों को लेकर के आंदोलन, धरना स्थल पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन्स प्रयागराज अनिल सिंह युवा मंच के द्वारा 2 अगस्त 2023 11 बजे से आयोजित किया जाएगा। आप सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच करके आंदोलन को सफल बनाएं। आप हमारी आवाज़ सरकार तक अवश्य पहुँचनी चाहिए। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत धन्यवाद।